नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डेली स्टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आज के डेट में एक अच्छा गेनर हम कह सकते हैं दोस्तों, अच्छे खासे उसके प्राइस में उछाल आया हुआ है। ठीक है, अच्छे अच्छों को लग रहा होगा ये कंपनी मुझे करोड़पति बना देगा। ठीक है, उससे पहले करोड़पति बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये पहले हम बाद में बताएंगे, ये पहले हम बाद में सुलझाएंगे। पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कहेंगे ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है। 177 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, स्मॉल कैप है, एकदम स्मॉल कैप है। और ये जो इसका नेगेटिव से शुरू करते हैं, पॉजिटिव तो मुझे कुछ दिखा नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव से शुरू करते हैं कि इसका जो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है दोस्तों, इस कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। और कैपिटल अगर ज़रूरत है किस किस लिए ज़रूरत है, इसके बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो जो इसके पास अभी सफिशिएंट नहीं होता है कभी कभी, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कंपनी क्या करेगा, बोरोइंग्स लेगा, मतलब कर्जा लेगा इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी वो कर्जा लेगा। उसके बाद डाइल्यूटिंग शेयरहोल्डर्स करेगा, इससे दोनों तरफ से वो कंपनी तो अपने बिजनेस में लगाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि हम शेयरहोल्डर्स जो है हम प्रभावित होंगे। दैट्स अ वेरी बैड पॉइंट। दूसरा जो है ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है। साइक्लिकल इंडस्ट्री मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया होगा शायद कभी, कि साइक्लिकल वीडियोस ये सॉरी इंडस्ट्री ये होता है कि ये कंपनी सीजनल टाइप का है, कि इस सीजन में इसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है तो ये प्राइस बप कर लिया, फिर इसका सीजन ख़त्म, फिर डाउन हो गया, फिर आएगा सीजन का भी तो उसमें वो बढ़ेगा, फिर डाउन। तो इससे क्या होता है, हम जैसे शेयर होल्डर्स को दिक्कत होती है। फिर इसका जो है कैश फ्लो में भी रिडक्शन होता है, तो जो जो अपने कैश है उसको अच्छी तरीके से ये रीजनरेट नहीं कर पाता है, ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। चौथा जो है दोस्तों, आरओए रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है इसका। इस कंपनी का शेयर होल्डर जो है प्लेस शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्लेजिंग प्रॉब्लम है दोस्तों। 60% के आसपास इसका शेयर्स कंपनी का गिर भी है जो प्रमोटर्स के, दैट्स अ वेरी बैड थिंग, आप इसको नज़र में रखिएगा। छठा जो है दोस्तों, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है दोस्तों, ये भी लो इंटरेस्ट कवरेज है, ये भी बहुत प्रॉब्लम का है। सातवा है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म जो शेयर होल्डर्स बेस इस कंपनी पे बिल्कुल मुझे तो नहीं दिखाई दिया, मेरे एनालिसिस के अनुसार सब होते हैं दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स। कुछ महीने के लिए आया, आने के बाद क्या करता है, वो पैसा लगाया, लगा गया अपना इनकम करके निकल जाते। इससे क्या होता है कि स्पेकुलेटिव होता है ये जो शेयर है, स्पेकुलेटिव ऑपरेटर्स का एक जमावड़ा हो जाता है ऐसी कंपनी में, या फिर इस कंपनी में ऑपरेटर्स का जमावड़ा टाइप का हो जाता है। लो रिटर्न ऑन आरओसी है दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें बहुत लो है दोस्तों, तो मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसी कंपनीज में, और लॉसेस भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ऐसे कंपनी को, जैसे अभी प्राइस बहुत मूवमेंट हो रहा है स्पेशली ये कंपनी में, आप अपने पैसे को मत फंसाइए। ठीक है, जो कंपनी में पैसे लगाना होता है मैं वो ज़रूर कहता हूँ कि आप इसमें पैसे थोड़ा सा लगा के देख सकते हो दोस्तों। हमें इतना पैसा नहीं चाहिए, हम छोटे रिटेलर्स हैं ना, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये करके इतना करके मिल जाए वो भी काफ़ी है। लाख रुपए के चक्कर में रहेंगे, 10 रुपये भी नहीं बचेंगे, है ना। तो ऐसी कंपनी से दूर रहे तो सेफ रहेगा दोस्तों। ठीक है, कौन करोड़पति बन गया उससे हमें मतलब नहीं है, हम बन पा रहे हैं कि नहीं ये हमारा मोटो होना चाहिए, है ना। तो विविध मेड लैब से आप थोड़ा सा दूर बना के रहिए, वही ठीक रहेगा। बाय।